नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप तुर्की का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूँ दोस्तों कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लाइसेंस बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप इससे कुछ भी ले रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, ई वीज़ा पॉपुलर होते जा रहे हैं पूरी दुनिया में और हम यहाँ पर वो देख रहे हैं। अभी हम ये देखेंगे कि ये तुर्की का आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। इससे टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। तो एक एफएक्यू में चलते हैं प्रोसेस जान से पहले, ताकि कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर में हमें मिल जाए। तो पहले पूछा जा रहा है कि ई वीज़ा क्या है। हम सबको पता है कैसे ई वीज़ा कैसे काम करता है। आपको इसमें लिंक मिलता है जिससे आप ये कर सकते हो। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो और इसका आप सॉफ्ट कॉपी भी ला सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर देखी जाए कि इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं, तो ये कंट्रीज़ के सिटीजन्स एलिजिबल हैं। इंडिया भी है इसमें, ठीक है। और इसमें जैसे आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो ये हर एक ट्रैवलर के पास एक सेपरेट ई वीज़ा होना चाहिए। ये इन्होंने कर दिया। आपको रिफ़ंड मिलेगा अगर आप यूज़ ना करो। मुझे नहीं लगता मिलेगा। करेक्ट, मैंने सही कहा था, ये मैंने कहीं भी नहीं देखा है। आपको मल्टीपल एंट्री ई वीज़ा मिल सकता है अगर आप इन कंट्रीज से बिलोंग करते हो, तो इंडिया इसमें नहीं है। दैट्स ओके। तो आपको इससे आइडिया हो गया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई फ़ी कितनी है। अच्छा, तो आपको मेन पेज पता चलेगा कितना फ़ी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम मेन पेज पे चलते हैं और अब हम यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट का रीजन पूछा जा रहा है। ये एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि आप इंडियन सिटीजन हो, तो आप यहाँ पे इंडिया ट्रैवल कर लो। इंडिया आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी है, यहाँ पर एक कैप्चा है जो आपको देना पड़ेगा। मैं कैप्चा एंटर करने में बहुत वीक हूँ दोस्तों, ऑनेस्टली बहुत गलतियां करता हूँ। आप सेव एंड कंटिन्यू करो। अराइवल डेट पूछा जा रहा है आपका, तो आप जो अप्लाई करोगे आपका इसके बीच में वैलिड रहेगा, और आप इंटर करके यू कैन नॉट एक्सेड मोर देन 30 डेज, क्योंकि इंडिया के लिए अलाउड है। तो आपको अगर मैं अप्रैल में चले जाऊँ, तो इस तरह से आ रहा है आपका जो भी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट है। तो मैं यहाँ पर जैसे 30 अप्रैल डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो उस हिसाब से मुझे डेट दे देगा, ठीक है। और आपका फ़ी भी यहाँ पे दिखा दिया कि 43 USD लगेगी। ये सब मेथड्स है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, तब आपका प्री रिक्विजिट पूछा जा रहा है कि आपके पास ये सब होने चाहिए, कि आपका पासपोर्ट आपका स्टे जो है उसको कवर करना चाहिए। ऑब्वियसली उस दौरान वो एक्सपायर नहीं करना चाहिए। आपको एक रिटर्न टिकट भी प्रूव करना होगा, और आपके पास $50 पर डे के हिसाब से होने चाहिए, जितना भी आप स्टे करना होगा। आप टूरिज़्म और बिज़नेस पर्पस से कर रहे हो, आई हैव अ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वैलिड वीज़ा और वैलिड रेसिडेंस परमिट फ्रॉम वन ऑफ द शेंजन कंट्रीज, US, UK और आयरलैंड। ई वीज़ा आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। इतना मैंने किया, तो इसके बाद मुझे जब तक मैं शायद ये ना चेक करूं, तो मुझे नहीं दे रहा है। मतलब अगर आप इंडिया से आ रहे हो और ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास ये एक क्राइटेरिया है, वैलिड वीज़ा और वैलिड रेसिडेंस परमिट फ्रॉम वन ऑफ द शेंजेन कंट्री। अदरवाइज़ आपको दूसरे तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। और साफ साफ लिखा है कि आपको ये सारे रिक्वायरमेंट प्रोसीड करना होगा। अगर आपका इसमें से कुछ भी आपका हुआ नहीं, तो वो
वो उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनवैलिड हो जाएगा। तो अज्यूम करता हूँ कि वैलिड कर रहे हैं। तो अच्छा, और इसमें ये है कि आपको डिटेल्स जो मांगे जा रहे हैं, तो आपका बेसिकली ट्रैवल के डिटेल्स तो वो लोग पहले ही ले चुके हैं। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, पासपोर्ट, इश्यू डेट, टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वीज़ा, रेसिडेंस परमिट। ये क्यों आया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पिछले सेक्शन में क्या क्लिक किया कि आपके पास है, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी वो आपसे ले रहे हैं। एड्रेस, अगर आप इसमें एक से ज़्यादा लोगों को जहाँ डालना चाहोगे, तो आप एज अ फैमिली ट्रैवल करो, तो आप ऐड अ न्यू पर्सन। अच्छा, वो तभी हो सकता है जब आप ऊपर के फील्ड्स को एंटर करो। तो चलिए दोस्तों, एक सैम्पल क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने किया गिवन नेम ना, तो मैं सैम्पल डाल रहा हूँ दोस्तों। ये काफ़ी नॉर्मल सी बात है कि कंट्री के हिसाब से आपका वीज़ा रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, नथिंग न्यूज़ अबाउट इट। तो आपको मैं कौन सा डेट दे दूँ, चलो एक दे देता हूँ मैं इसी में। प्लेस ऑफ बर्थ मैं क्या दे देता हूँ, ये सब अपने पासपोर्ट से देखिए। और बोले देखिए, बोले हर किस क्वेश्चन के साथ आपको हिंट भी दे रहे हैं कि आपको कैसा लेना। ये अच्छी चीज़ है, इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया सिस्टम। पासपोर्ट का इश्यू डेट और वैलिडिटी पूछ रहे हैं, तो ये तो भाई सब हर एक एप्लीकेशन ने पूछा है, कि उनको भी मेक श्योर करना है कि आपके पास उतना ड्यूरेशन का पासपोर्ट है, ताकि आप उस वजह से किसी समस्या में ना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके पास, जैसे वीज़ा है, कौन से कंट्री का है भाई, ये चारों कंट्री। और अगर आप रेसिडेंस परमिट लोगे तो कौन सी कंट्री का है। नीचे चलते हैं भाई। अच्छा, रेसिडेंस परमिट के लिए भी, अच्छा मैंने वो शेंजन कंट्रीज़ या वहाँ से कहीं से होने पे चल जाता है। तो मान लीजिए आपके पास यूएस का वीज़ा है, तो आप जैसे इसमें आयरलैंड का वीज़ा है, जो भी आप दे दो भाई। एक सैम्पल दिया, आपके पास जो आप वो डालोगे। एक्सपायरी डेट अगर अनलिमिटेड है तो ये कर दो। ईमेल एड्रेस मांगे जा रहे हैं वो डालो। फ़ोन नंबर, एड्रेस, मैं सैम्पल डाल दे रहा, आप अपने सही तरह से करना। ये है, और उसके बाद आप, उसके बाद आपका सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, अगर और पर्सन को डालना है वो भी आप कर सकते हो। मैंने कोई लगता फील्ड छोड़ दिया है। हा, यही गड़बड़ है। अब कौन से फील्ड छोड़ दी मैंने, डेट ऑफ बर्थ मैंने छोड़ दिया। आपको थोड़ा पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है ये सब चीज़ें। कभी कभी होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर डिटेल्स कंफर्म कर लोगे, एडिट करनी है तो आप एडिट भी कर सकते हो, या वेरीफाई कर लोगे। तो आपको ईमेल आती है जो 1 घंटे तक वैलिड रहती है, वहाँ से आप पेमेंट कर लोगे। तो मैं तो उस सेक्शन तक जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं सबमिट करना चाहता हूँ। तो आपको आइडिया मिल गया। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।